हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अभी आज है 1 जुलाई, 2 नई नोटिस लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नोटिस अपडेट है और इस अपडेट के बारे में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, KGMU नर्स भर्ती 2024, दोस्तों KGMU लखनऊ की तरफ से 1276 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट भर्ती निकाली गई थी। इसमें लगभग जो है 1249 कैंडिडेट को जो है ऑफर लेटर जारी किया गया था। उसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 नई नोटिस निकल के आ रही है, जिसमें आप लोग देखोगे तो 196 कैंडिडेट हैं जिनका ऑफर लेटर यहाँ पे कैंसिल किया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे कैंसिल किया गया है। किस रीजन से कैंसिल किया गया है इसकी जानकारी देंगे। साथ ही 135 नए कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो KGMU लखनऊ की तरफ से 1276 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई थी 2023 में, इसमें जो है 2 नई अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे KGMU के ऑफिशियली वेबसाइट पर। जैसे कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो 2 अपडेट आपको मिलेंगे। तो चलिए KGMU लखनऊ की वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि गूगल पर चलोगे तो यहाँ पे आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पे आपको KGMU सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, नीचे आओगे तो कैरियर का ऑप्शन है, इस कैरियर वाले ही ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सर्विस प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आप लोगों को क्लिक करना है, आपको जाना है कैरियर वाले पेज पर। तो ये KGMU की वेबसाइट कैरियर पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग KGMU की वेबसाइट कैरियर का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसा कि आप लोग देखोगे तो 29 जून की डेट में जो है 29 जून 2024 की डेट में 2 अपडेट निकल के आ रही है। एक आप लोग देखिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 कैंसिल लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ 196 कैंडिडेट्स डेट 28 जून 2024। अप्लाई नॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे आप लोग देखिए नई पेज है और यहाँ पे जो है आप लोग क्लिक करोगे तो 196 कैंडिडेट की जो लिस्ट है ओपन हो जाएगी। इनका जो है ऑफर लेटर जो है या अपॉइंटमेंट लेटर जो है कैंसिल किया गया, क्यों किया गया है रीजन यहाँ पे बताया गया है। पढ़िए, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ 22600003 कुल सचिव कार्यालय। तो कुल सचिव कार्यालय से नोटिस जारी की गई है जिसका पत्र संख्या है पढ़ लेना 305, दिनांक 28 जून 2024। कार्यालय आदेश नर्सिंग ऑफिसर पद के सामान्य एवं बैकलॉग भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 15/ नियुक्ति एवं चयन अनुभाग /2023 दिनांक 22 जून 2023 एवं विज्ञापन संख्या 16/ नियुक्ति एवं चयन अनुभाग /2023 दिनांक 22 जून 2023 के क्रम में माननीय कार्य परिषद एवं माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरांत कुल 1249 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशित करते हुए दिनांक 14 मार्च 2024 को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे। उक्त के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार कुल 196 अभ्यर्थियों द्वारा योगदान प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि विस्तारित तिथि की अवधि समाप्त होने के उपरांत वर्तमान तक अपने योगदान प्रस्तुत न किए जाने अथवा योगदान वापस लेने त्यागपत्र के कारण उनका अभ्यर्थन माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरांत एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं इस संबंध में कोई भी पत्राचार आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है 28 जून 2024 अर्चना गहरवार कुल सचिव। नीचे आइए यहाँ पे पढ़िए, देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ अपॉइंटमेंट लेटर डेट मेंशन है 14 मार्च 2024 और इनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे कैंसिल किया गया है। आप लोग देख लो, सीरियल नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, फादर नेम
और रिक्रूटमेंट टाइप बताया गया, ओवरऑल मेरिट यहाँ पे देख लेना, सिलेक्शन अंडर कैटेगरी किस कैटेगरी में इन्हें सेलेक्ट किया गया है इसकी भी जानकारी है, स्टेटस क्या है तो कैंसिल किया गया है, तो इन सभी का जो है स्टेटस यहाँ पे कैंसिल है, यानी इन सभी का जो है अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर दिया गया है। टोटल कितने कैंडिडेट हैं तो आप लोग नीचे आइए, 9 पेज का PDF है और यहाँ पर देखिए 196 कैंडिडेट हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर कैंसिल किया गया है। अपॉइंटमेंट लेटर क्यों कैंसिल किया गया है ऊपर रीजन यहाँ पे एक एक करके बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। क्लियर हो चुका है? जी हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, माफ़ी चाहता हूँ, डिटेल्स में आपको अपडेट दे रहा हूँ, आप लोग बैक आइए। और जब आप लोग बैक आओगे तो यहाँ पे देखोगे 28 जून 2024 की डेट में 135 न्यू कैंडिडेट को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, उसे भी आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर भी नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी शो होगा, इन्हें जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो KGMU में जो है रिपोर्ट करना है, कहाँ 1 मंथ की टाइम दी गई है, यानी कि 27 जुलाई 2024 तक जो है आप लोग KGMU में रिपोर्ट करना है। ज्वाइनिंग प्रोसेस रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को जो है वर्क करना है, इसलिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है KGMU, वहाँ पे आपको 27 जुलाई 2024 तक रिपोर्ट करना है। ये 135 नए कैंडिडेट हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी 28 जून 2024, इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो 135 नए कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट को मैं आपको दिखाऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, और बताया गया है कि उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 305/गैर शैक्षणिक और यहाँ पे देखोगे तो दिनांक 28 जून 2024 द्वारा कुल 196 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरांत द्वितीय चरण में कुल 135 अभ्यर्थियों की चयन सूची अंतिम रूप से अपलोड की जा रही है। अर्चना गहरवार कुल सचिव 28 जून 2024, तो 196 कैंडिडेट का जो अपॉइंटमेंट लेटर है कैंसिल करके 135 नए कैंडिडेट को जो है द्वितीय चरण में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये लिस्ट है देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ 135 कैंडिडेट्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023-2024 KGMU, 4 पेज का PDF है और यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी देख पाओगे। इनका जो है सीरियल नंबर दिया गया, एप्लीकेशन आईडी दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, फादर नेम, रिक्रूटमेंट टाइप और यहाँ पे मेरिट रैंक दिया गया, पढ़ लेना। ये टोटल 135 कैंडिडेट हैं जिन्हें अब जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस रिलेटेड रिपोर्ट करना है 27 जुलाई KGMU में जो है, और इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्ट करना है इसकी भी जो है इस लिस्ट के नीचे जानकारी दी गई है, और उसे आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लेना। यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, इनक्लोजर आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगी, इसे आप लोग देख सकते हो। तो 27 जुलाई यहाँ पे डेट मेंशन है। धन्यवाद।